हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगीतास किचन। आज की रेसिपी है गार्लिक नान, जो हम विदाउट ईस्ट और विदाउट तंदूर के बनाएंगे, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी, इस पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून दही, योगर्ट, ऐड करेंगे कर्ड, ल्यूकवॉर्म मिल्क, आप पानी भी डाल सकते हैं लेकिन ल्यूकवॉर्म ही लें। इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। डो रेडी हो गया। अब हम इसको डैम्प क्लॉथ से कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, डो रेडी हो गया है, देखें आप। इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर एक बार और अच्छे से नीट करेंगे। थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक तो ये नॉर्मल नान का डो था, पर अब इसको गार्लिक नान बनाने के लिए हम एक बटर और गार्लिक का मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मेल्टेड बटर, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम डो में से स्मॉल पोर्शन लेकर नान बनाएंगे। इसके लिए हम पहले आटा डस्ट करेंगे। इसको आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं और ओवल में भी। हमें बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है, नॉर्मल बेलना है। हम लगाएंगे बटर गार्लिक का मिक्सचर। बहुत लाइट हैंड से प्रेस करेंगे, जिससे कि ये सारा मिक्सचर स्टिक हो जाए नान पे। जैसे कि हम तवे पर तंदूरी स्टाइल से बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इसकी बैक में लगाएंगे पानी। जैसे कि हमारा तवा गरम है, तो अब हम इसको उस पर रखेंगे। इसके लिए आपको लोहे का भारी तवा लेना पड़ेगा, जो हैवी वेट होना चाहिए, नॉन स्टिक तवा नहीं लेंगे। अब हम अपने नान को इस पर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस साइड पर बबल्स आ गए हैं, यानी कि नीचे से पकना शुरू हो गया। अब हम इस तवे को उल्टा कर देंगे और हमें ऐसे ही रखना है इसको ऊपर थोड़ा। इसको बिल्कुल गैस के ऊपर पूरा उल्टा नहीं करेंगे आप। नान रेडी हो गया। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। जैसे कि हमने पीछे पानी लगाकर स्टिक किया था, देखें आप, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल का टेक्सचर आया है। ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।